हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल रीड न्यू इंग्लिश कार्निवल क्लास 6 एंड लेसन नंबर 2। जस्ट इमेजिन यू नो स्टूडेंट, वी हैव टू कलेक्ट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। तो मेक अ लिस्ट, आपको एक लिस्ट बनानी है, एक लिस्ट तैयार करनी है आपके लिए ऑफ ऑल एनिमल्स, सारे जानवर की दैट यू कैन थिंक, जिनके बारे में आप सोच सकते हैं कि हाँ मैं इस जानवर के बारे में सोच सकता हूँ, तो उसके जानवर की आपको लिस्ट बनानी है। देन कंपेयर योर लिस्ट विद योर फ्रेंड्स, तब आपको अपनी लिस्ट को अपने फ्रेंड्स यानी कि जो क्लासरूम में जो होते हैं फ्रेंड्स, उनसे अपनी लिस्ट को कंपेयर यानी कि उनसे तुलना करनी है। नाउ विल बी कम्युनिकेट, इमेजिन, कल्पना करनी है आपको, यू हैड ए क्रोकोडाइल, कि आपने क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ के बारे में सुना है, एन एलिफेंट, एक एलिफेंट यानी कि हाथी के बारे में सुना है, ए सेंटीपीड, यू नो सेंटीपीड, एक जिसे बोलते हैं कांतर, उसने सेंटीपीड के बारे में सुना है हमने, एंड अ जिराफ, एक जिराफ के बारे में आपको बातें करनी है, टॉकिंग यानी जिराफ के बारे में आपको बातें करनी है। व्हाट वुड दे से टू ईच अदर, वे एक दूसरे से क्या कहेंगे या क्या कहते हैं, क्या कहा करते हैं। इन ग्रुप्स ऑफ 4, आपको यहाँ पर एक ग्रुप बनाना 4 का, शेयर द कन्वर्सेशन विद द क्लास, और जो भी बात हो रही है कन्वर्सेशन यानी कि जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत को क्लास में यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, उसको बांटना है, यहाँ आपको सेलिब्रेट करना है। इमेजिन, यू हैड ए मैजिक पेंसिल, कल्पना करो आपके पास एक मैजिक पेंसिल है, जादुई पेंसिल, साकाला का बोम, एक नाटक जो आता था उसकी तरह आपके पास में एक पेंसिल, जिससे जो कुछ भी ड्रॉ करो और वो बन करके आपके सामने आ जाया करता था। यूजिंग विच यू कुड यू एक्चुअली गेट, और उसका यूज करना, आपको उपयोग करना, कि वास्तव में आप जो चाह सकते हैं, व्हाट यू ड्रॉ, जिससे आप बनाना चाहते हैं उससे आपको ड्रॉ करना यानी कि बनाना है। व्हाट यू ड्रॉ विद दैट, तो आपसे आप उस पेन से क्या बनाना चाहेंगे। यूज द गिवन स्पेस टू ड्रॉ, तो ये नीचे जो स्पेस दिया गया है उसमें आपको गिवन यानी कि दिया गया है उसमें आपको ड्रॉ करना है। जैसा कि स्टूडेंट, बिफोर लेसन वी विल रीड अबाउट पोइटर यानी कि स्पीकर जिसने पोइम को लिखा है, सेंथनी गोविंदन, हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेंथनी गोविंदन के बारे में। बॉर्न ऑन 20 मार्च 1959, जे इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1959 यानी 1959 को, इज एन अवार्ड विनिंग राइटर, ये कैसे हैं, एक अवार्ड यानी कि पुरस्कार जीते हुए एक अवार्ड विनिंग राइटिंग यानी कि एक उनको अवार्ड जीते हुए एक लेखक हैं, कोई पुरस्कार कोई भी अवार्ड जीते हुए लेखक हैं। शी हैज़ रिटन ओवर 40 बुक्स इन इंग्लिश फॉर चिल्ड्रन, शी हैज़ रिटन, वो लिख चुकी हैं ओवर 40 से अधिक किताबों को लिख चुकी हैं इन इंग्लिश यानी इंग्लिश में 40 से अधिक किताबों को लिख चुकी हैं, किसके लिए, बच्चों के लिए। विच हैव बीन ट्रांसलेटेड इंटू मैनी इंडियन लैंग्वेज, जो कि ट्रांसलेटेड यानी कि उनका अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट बोलते हैं अनुवाद करना, जिनका कि अनुवाद किया गया इंटू मैनी इंडियन लैंग्वेज, बहुत सारी हमारी इंडियन लैंग्वेज हैं उनमें उसका अनुवाद किया गया है। शी हैज आल्सो रिटन ओवर 300 आर्टिकल फॉर वेरियस इंडियन एंड इंटरनेशनल चिल्ड्रंस मैगजीन्स, उन्होंने लगभग और भी चीज़ें लिखी हैं, रिटन ओवर 300 आर्टिकल्स से ज़्यादा भी उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं फॉर वेरियस इंडियन एंड इंटर, जो कि इंडियन बहुत प्रकार के इंडियन हैं उनके बारे में, एंड इंटरनेशनल चिल्ड्रन जो अंतर्राष्ट्रीय बच्चे हैं उनके लिए, मैगजीन्स जो मैगजीन होती हैं उनके लिए, उन्होंने उनके लिए भी ये सारी चीज़ें लिखी हैं। नाउ वी विल रीड लेसन, सो लेट्स स्टार्ट। इफ क्रोकोडाइल हैड टू ब्रश देयर टीथ, तो यहाँ पर आप इमेजिन करनी है, ज़रा सोचना है आपके लिए, कि अगर एक मगरमच्छ हैड टू ब्रश देयर टीथ, कि अगर एक मगरमच्छ को अपने दांतों को ब्रश करना पड़े सुबह सुबह उठ करके, जैसे हम मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले दांतों को ब्रश करते हैं फ्रेश होने के बाद में, ऐसे ही अगर एक मगरमच्छ को अपने दांतों को ब्रश करना पड़े, द वे आई डू, जैसे मैं करता हूँ, एवरी मॉर्निंग एंड नाइट, जैसे मैं सुबह और रात में करता हूँ ना अपने दांतों को ब्रश, ऐसे ही अगर एक मगरमच्छ भी अपने दांतों को ब्रश करें, जस्ट इमेजिन, तो जरा सोचिए द नंबर ऑफ टूथ ब्रश दे वुड नीड, तो कितने टूथ ब्रश को उसको आवश्यकता होगी, टू कीप ऑल दोज रोज ऑफ टीथ स्पार्कलिंग वाइट,
तेज दांत की जो रो है ना ये पंक्तियां मगरमच्छ की, उसको सफेद चमकाने के लिए कितने टूथब्रश की आवश्यकता होगी? यू नो स्टूडेंट्स, इफ एलिफेंट्स हैड टू यूज हैंड कर्चीफ्स, अगर एक एलिफेंट यानी कि हाथी को हैंड कर्चीफ बोलते हैं, रूमाल को, रूमाल का यूज करना पड़े उसको, अगर एक हाथी को रूमाल का उपयोग करना पड़े एवरी टाइम दे स्नीज्ड, हर समय जब वो छींकता है और हेड एक बैड कोल्ड या उसको एक बुरी तरह सर्दी जकड़ लेती है, जैसे उसको सर्दी हो जाती है, तब उसके लिए रूमाल का यूज करना पड़े। जैसे कि हम कोल्ड में अपने लिए रूमाल का यूज करते हैं, या कॉफ करते हैं, हम खांसते हैं तब भी, छींकते हैं तब भी हम रूमाल का यूज करते हैं, हैंड को वॉश करने में हैंड रब करते हैं, पोंछते हैं उसके लिए, तब भी हम रूमाल का यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर एक हाथी को एक हैंकी यानी कि रूमाल का यूज करना पड़े तो जस्ट इमेजिन, तो जरा सोचना आपके लिए हाउ मेनी हैंकी दे वुड हैव, तो उसके पास कितनी सारी हैंकी यानी कितने सारे रूमाल होंगे उसके पास में टू वॉश, धोने के लिए। एंड आयरन एंड फोल्ड, आयरन एंड फोल्ड बोलते हैं लोहे की जो, और उसको फोल्ड करने यानी मोड़े हुए जो आयरन, उसके लिए उसके पास कितने सारी चीज़ें ये होंगी। इफ जिराफ्स हैड टू वेयर टाइज अराउंड देयर नेक्स, कि अगर कोई जिराफ, यू नो जिराफ एक जानवर होता है, टू वेयर टाइज अराउंड देयर नेक्स, उसे अपने उसे टाई पहननी पड़े अपने गर्दन के चारों ओर, अपनी गर्दन के चारों ओर उसे एक टाई पहननी पड़े, लाइक आई डू टू स्कूल एवरी डे, जैसा कि हम लोग पहनते हैं जब स्कूल जाते हैं ना, हम पहनते हैं तो उस टाई को, तो इस तरीके से अगर उसे भी एक टाई पहननी पड़े, जस्ट इमेजिन, तो यहाँ पर सोचना है हाउ लॉन्ग दोज टाइज वुड बी, तो वो जो टाई हैं वो कितनी लंबी होंगी, कितनी लंबी होंगी। एंड हाउ दे वुड डंगल, तो वो कैसे लटकेंगी, डंगल बोलते हैं लटकना, एंड फ्लैट, और वो कैसे फड़फड़ाएंगी, एंड फ्लोर कैसे झूलेंगी, यू नो जब इतनी लंबा कपड़ा हो तो वो लटकेगा भी, फड़फड़ाएगी, हवा चलेगी तो फड़फड़ाएगी, फ्लैटर भी करेगा, एंड फ्लोर, और जैसे झूला झूलते हैं इस तरीके से वो कपड़ा फहरेगा भी, ठीक है। इफ सेंटीपीड हैड टू वियर बूट्स विद लेसिस, अगर ये सेंटीपीड, यू नो जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं सेंटीपीड, अगर सेंटीपीड को जूते पहनने पड़े विद लेस, फीते वाले जूते पहनने पड़े, ऑल फैस्टन्ड एंड टाइड अप टाइट, और जो सारे जो जूते हैं उनको फैस्टन में बांध दिए जाते हैं, टाइड अप टाइट, बिल्कुल बांध दिए जाते हैं, कैसे, बिल्कुल टाइट करके बांध दिए जाते हैं, जस्ट मैं, तो जरा सोचना है आपके लिए, जरा सोचिए व्हाट अ टेंगल ऑफ लेग्स देयर वुड बी, तो उनमें एक एक उलझन सी, कितनी उलझन सी उनमें होगी। इफ जस्ट वन ऑफ दोज लेसेस वाज नॉट डन अप राइट, अगर उनमें से एक भी जूते को, एक भी फीते को नहीं ढंग से बांधा नहीं गया हो तो उसको कितनी उलझन होगी। इफ चिल्ड्रन लाइक मी, अगर बच्चे मेरे जैसे हैड विंग्स लाइक बर्ड्स, उनके पास पंख हों जैसे पक्षियों के पास होते हैं, विच विद विच वी कुड फ्लाई, कि उड़ सकें ऊपर, एंड सोर अप हाई, और ऊंची उड़ान भर सकें, सोर हाई बल बोलते हैं, सोर बोलते हैं ऊंची उड़ान भरना, यानी जिससे वो ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकें, जस्ट इमेजिन, तो जरा सोचिए हाउ मैनी चिल्ड्रन दे वुड बी, तो ऐसे कितना बच्चे ऐसा करेंगे, ऐसे कितना बच्चे ऐसे करेंगे, और कितने बच्चे वहाँ पर होंगे जूमिंग अबाउट इन द स्काई, और जो तेजी से गति करेंगे आकाश में,